RGS टूल के अंदर बहुत सारी न्यू न्यू चीजें ऐड कर दी गई हैं। चलो आपको बताता हूँ, ये वाले चीट कोड भाई किसी को भी नहीं पता। अगर आप RGS टूल के अंदर लिखते हैं H1 तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप न्यू हाउस बन के आ जाएंगे, और जैसे ही आप लिखते हैं RGS टूल के अंदर H2 तो आपको और हाउस देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, यहाँ पर आप खुद के घर बना सकते हैं, अपनी खुद की सिटी बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको 10 तक गिनती लिखना है, H3। ये देखो भाई न्यू घर बनते जा रहे हैं अपने। ये बहुत ही अच्छा फीचर है RGS टूल के अंदर अपना रोहित भैया ने ऐड कर दिया है। तो ऐसे ही मैं आपको 10 तक करके दिखा देता हूँ, 10 घर बन के आ जाएंगे। और अभी आपको आगे ऐसे सीक्रेट चीट कोड बताऊंगा जो कि किसी को भी नहीं पता है। भाई आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये वाला न्यू अपडेट आया है और मुझे पता चला कि भाई इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट चीट कोड हैं। देखो भाई, मैंने तो अपनी खुद की सिटी क्रिएट कर ली यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग बन चुकी है, H10 तक मैंने कर दिया है। आज आपको RGS टूल के A to Z चीट कोड बताने वाला हूँ। भाई वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। यहाँ पर हाउस हो चुके हैं, अब यहाँ पर आपको डालना है कुछ सीक्रेट चीजें, जैसे कि अब आपको डालना है यहाँ पर T1। जैसे ही आप T1 डालेंगे तो यहाँ पर ये देखो कहीं भी पेड़ लगा सकते हैं भाई, और जरूरी है पेड़ लगाना, तो आप भी लगाया करो। ये देखो T2 डाला तो थोड़ा बड़ा पेड़ आ चुका है। जैसे ही T3 डालते हैं तो थोड़ा और बड़ा पेड़ आ जाएगा। T4 डालते हैं फिर आपको थोड़ा और बड़ा पेड़ देखने को मिल जाएगा, और T5 डालते हैं ना तो और बड़ा पेड़ देखने को मिल जाएगा। ये देखो भाई यहाँ पर ट्री के भी चीट कोड आ चुके हैं अपने RGS टूल के अंदर, ये बहुत ही बवाल चीज है। चलो T6 भी डाल के देखते हैं, वैसे T6 का साइज से नहीं है, अरे है T6 भी है भाई, 6 नंबर का ट्री भी है, ये देखो बड़ा वाला। चलो T7 भी डाल के देख लेते हैं, T7 यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसका चीट कोड नहीं है। RGS टूल के अंदर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऐड कर दी गई हैं रोहित भैया ने, रोहित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी बॉल बनाना है ना, बॉल दीवार, तो आपको लिखना है W1, थोड़ी अलग प्रकार की बॉल बनेगी। ये देखो W2 अगर आप टाइप करेंगे तो थोड़ी अलग प्रकार की बनेगी बॉल, तो ये बड़ी वाली दीवार बन जाएगी W2 में, और W1 में छोटी वाली दीवार। अगर आप RGS टूल के अंदर लिखते हैं R1 तो यहाँ पर आप रैंप बुला सकते हैं, और यहाँ से आप गाड़ियों के स्टंट करा सकते हैं भाई, तो ये भी कमाल का फीचर है RGS टूल का। चलो और चीजें बताता हूँ। अगर आप RGS टूल के अंदर लिखते हैं C1 जैसे ही लिखते हैं तो आपको यहाँ पर कंटेनर देखने को मिल जाएगा, ये भी खतरनाक चीज है भाई। C2 में थोड़ा बड़ा कंटेनर देखने को मिल जाता है, और RGS टूल के अंदर आप जैसे लिखते हैं C3 तो C3 में अपन को थोड़ा और बड़ा कंटेनर देखने को मिलता है। मतलब आप यहाँ पर कंटेनर रख सकते हैं, पूरी वॉल बना सकते हैं कंटेनर्स की। यहाँ पर लिख दिया मैंने C5 कंटेनर, कंटेनर ही कंटेनर आएंगे इसमें। तो कंटेनर की चीट कोड 5 तक वर्क करते हैं RGS टूल के अंदर। जैसे ही आप RGS टूल के अंदर लिखते हैं P1, तो जैसे ही आप P1 लिखेंगे ना, यहाँ पर ये देखो भाई अपना लाइट आ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हैं P2 तो ये देखो भाई P2 के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा थोड़ा छोटा वाला, क्या है भाई ये मुझे पता नहीं है। जैसे ही आप इसमें लिखेंगे P3, जो रोडों के आजू बाजू लगी रहती है ना वो है, P4 में आपको देखने को मिलेगा। इनसे बोलते हैं भाई, इनके नाम होते हैं प्रॉप, जो होती है ना रोडों के आजू बाजू होते हैं ना ये प्रॉप, ये वही है P1 P2 P3 P5 आप लिख के देख लेना। जैसे ही आप 10 तक लिखेंगे तो 10 तक चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ये देखो भाई। तो अब आपको पता चल गया होगा RGS टूल के बहुत सारे न्यू फीचर्स। ये देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी हैं RGS टूल में, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने गलत जगह पर अपना हाउस स्पॉन कर दिया है, अब इस वाले हाउस को मुझे अलग करना है यहाँ से। जैसे ही आप इसके अंदर लिखते हो मोड ऑन, तो अब आप इस वाले घर को कहीं भी कर सकते हो, बस आपको स्क्रीन पर टैप करके रखना है उस वाले ऑब्जेक्ट पर जिसको आपको अलग करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं टैप करके रखा हूँ, और आप कहीं भी इसको कर सकते हो। ये देखो जॉयस्टिक से आप अपने करेक्टर को मूव कर सकते हो, और इस वाली उंगली से आपको पकड़ के रखना है जहाँ भी आपको अपने हाउस को अटैच करना है। जैसे कि मुझे यहाँ रखना है अपना हाउस, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर रखा गया है। वैसे फटाफट से लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया। तो RGS टूल के कुछ और न्यू फीचर्स बताता हूँ। जैसे ही आप RGS टूल के अंदर लिखते हैं हेलीकॉप्टर, पहले आप लिखते थे जेट, तो पहले आपको जेट मिलते थे आसमान में, अब आपको हेलीकॉप्टर भी मिलेंगे। ये देखो मैं लिख देता हूँ जेट और हेलीकॉप्टर दोनों मिल रहे हैं अपन को। देखो भाई ये दिख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं अपने, आपको दिख रहे होंगे। ये देखो हेलीकॉप्टर भाई दिख रहे हैं ना, ये रहे अपने हेलीकॉप्टर्स। अब आपने यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग स्पॉन करके अपनी सिटी तो बना ली, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, RGS टूल के अंदर लिखना है SD। जैसे ही आप RGS टूल के अंदर लिखते हैं SD तो आपका सेविंग मोड ऑन हो जाएगा, और ये सेव हो जाएंगी।
और अब देखो मैं बैक चले जाता हूँ गेम के और फिर से आता हूँ गेम के अंदर तो मुझे ये वाली चीज़ें फिर से देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखो भाई यहाँ पर मैंने चीज़ें सेव कर ली थी, यहाँ पर अपनी चीज़ें सेव हो चुकी हैं, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेव हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको RGS टूल के बहुत सारे चीट कोड बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि मैंने क्या नहीं बता पाया है। और हाँ, अगर आपको पुराने वाले RGS टूल के चीट कोड जानना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, लेफ्ट वाली। अगर आपको TV ऑन करना है तो ये राइट वाली वीडियो देख लेना।